आदरणीय श्रोता, हमारे पूर्वसैनिक बंधु, माता और बहनों, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे 71 का युद्ध देखने को मिला। मैं उसका साक्षी हूँ। निश्चित तौर पर असुरक्षित हो जाए, पड़ोसियों की नींद ज्यादा खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं उस समय चंद्रगढ़ चक्र में था। पाकिस्तान की योजना यह थी कि लाहौर से चलेंगे और चाय नाश्ता अमृतसर में करेंगे, ये उनकी योजना थी। उस योजना की जानकारी जब वहां के सैनिकों को और वहां की टीम के कैप्टन को और वहां के इंचार्ज को जब मिली, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय था। चिंता का विषय इसलिए था कि चूंकि लाहौर और अमृतसर में ज्यादा दूरी नहीं है, फिरोजपुर में एक नदी बहती है सतलज नदी, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर पुल बना हुआ है, और पुल बना हुआ है तो वही पुल उनके भी आने का रास्ता है और वही पुल अपने भी आने का रास्ता है। और उनकी योजना थी कि उस पुल को अपन ब्लास्ट करके करने के पहले अपन जाएंगे और व्यवस्था देखेंगे। भारतीय सेना ने दौड़ लगी योजना तो बहुत तरीके से। हम उन शब्दों को ये नहीं कहेंगे कि शहीदों की एक आवश्यकता थी, वहां पर जब ये कहा गया है इस पुल को ब्लास्ट करना है और पुल को ब्लास्ट करने के लिए हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, वो शायद न रहेंगे। सी कहलाई के कार्यकर्ता वहां इकट्ठे हुए, 50 की आवश्यकता थी, 300-400 लोग तैयार हो गए, किंतु हमको आवश्यकता 50 की ही थी। आर्मी ने 3 तारीख की रात को, अर्थात 4 तारीख को प्रातः में जब ये योजना बनी कि इसको उनको रोकना है, तो मानव बम अपने बने और मानव बम के साथ में उस पुल को ब्लास्ट किया गया। तो 13 दिन तक की जो लड़ाई रही वो आर पार की रही, हम इधर वो उधर, ऐसी बहुत सी घटना है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में पैराट्रूपिंग हो रहा था और पैराट्रूपिंग के लिए जब योजना बनी तो उनके मेस में, ऑफिसर मेस में हमारे इंटेलिजेंस के लोग आर्मी के, वो उसमें खुद का काम करते थे, और उनसे जानकारी मिली कि ये बहुत मस्त है, ये सोच रहे हैं कि हम उनको ऊपर से ही टपका लेंगे। और जब ये प्लानिंग की जानकारी मिली, आर्मी ने बिफोर टाइम अपना ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट में पहले अपन कहते हैं डमी ड्राफ्ट होता है, उनको पहले डमी ड्राफ्ट किया, वातावरण देखा और आर्मी ड्राफ्ट हो गया, और ड्राफ्ट होते ही उसको आकर मेस को उन्होंने कवर कर दिया। मेरा कहना चाहती है कि 71 का वार एक यादगार वार है, विश्व का इतिहास का वार है, और उसको उस युद्ध को आज तक न तो कोई जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो कर पाए, और वो भी हमने किया है विदेशी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जाकर के अपने लिए वार को किया है और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, और 99,000 सैनिकों का समर्पण अपने लिया है जिसमें इतिहास की रचना है। मेरा आप लोगों से केवल यही आग्रह है, मैं का मतलब हम भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक, आप समाज के साथ में हैं और समाज के साथ में है तो निश्चित तौर पर हमारी भी समाज के लिए भागीदारी बनती है। मैं आप लोगों से यही की आग्रह करूंगा कि सैनिकों का मनोबल बढ़े। आज जो आपका में ये कार्यक्रम हुआ है ये उसका एक भाग है। सैनिकों का मनोबल बढ़े, और सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा तो वो अपनी जान तक निछावर करने को तैयार है उसमें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र सर्वोपरि है उसके सामने कहीं कुछ नहीं है। बहुत लंबी थोड़ी गाथा है, मुझे आना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सार्वजनिक उद्बोधन मैं आवाज दे रहा हूँ आयुष देशमुख को। इसके बाद एक कविता पाठ है और हमारे विशेष जो आज के इस कार्यक्रम के अतिथि हैं
10 मिनट के अंतराल के बाद वे हमारे बीच में होंगे और इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत देंगे। आयुषी देशमुख हमारे बीच में। निश्चित तौर पर गौरवशाली ही ना होकर सार्थक भी रहा, सकारात्मक भी रहा। राजन तिहारे हमारे बीच में एक छोटी सी कविता उनकी खुद की लिखी हुई है, खुद कलमकार में मौलिक रचनाएं देने में सक्षम है और मंसूर नजर से सभी जोर से भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद को मान करते हुए अभी इतना पढ़ रहा हूं वंदन गीत है। मेरे नौजवान, ए मेरे नौजवान, तुझे लाखों बार सलाम। ए मेरे नौजवान, तुझे लाखों बार सलाम। ए प्यारे नौजवान, तुझे लाखों लाख सलाम। ए प्यारे नौजवान, तुझे लाखों लाख सलाम। ए मेरे नौजवान, तुझे लाखों बार सलाम। ए प्यारे नौजवान, तुझे लाखों बार सलाम। तू ही है अरमान हमारा, जन जन की आंखों का तारा। तू ही है अरमान हमारा, जन जन की आंखों का तारा। तू ही है गणतंत्र हमारा, तू ही है गणतंत्र हमारा, तुझको मेरा प्रणाम। ए मेरे नौजवान, तुझे लाखों बार सलाम। ए मेरे नौजवान, तुझे लाखों बार सलाम। ए प्यारे नौजवान, तुझे लाखों लाख सलाम। ए मेरे नौजवान, तुझे लाखों लाख सलाम।
धरती अंबर चांद सितारे की सब खुशियां तुझ पे वार, धरती अंबर चांद सितारे की सब खुशियां तुझ पे वार। तू ही है भारत का गौरव, तू ही है भारत का गौरव, तुझसे है मेरा देश महान। ए मेरे नौजवान तुझे लाखों लाख सलाम, ए मेरे नौजवान तुझे लाखों बार प्रणाम, ए मेरे नौजवान तुझे लाखों लाख सलाम, ए मेरे नौजवान तुझे लाखों बार सलाम। आगे, जब तक तू है सीमाओं पे कोई आंच नहीं धरती पे, जब तक तू है सीमाओं पे कोई आंच नहीं धरती पे, तू ही है हम सब की खुशियां, तू ही है हम सब की खुशियां, तुझसे हमको स्वाभिमान। तू ही है हम सब की खुशियां, तुझ पे हम सबको स्वाभिमान। ए मेरे नौजवान तुझे लाखों बार सलाम, ए प्यारे नौजवान तुझे लाखों लाख सलाम, ए मेरे नौजवान तुझे लाखों बार सलाम, ए मेरे नौजवान। आखिर पढ़े, भारत माँ का तू है प्यारा, सबको प्रणाम कर रहा हूँ भाइयों को। भारत माँ का तू है प्यारा, तू ही है सपूत हमारा, केवल सैनिक केवल सैनिक। भारत माता तू है प्यारा, तू ही है सपूत हमारा, तुझसे सबकी उम्मीदें हैं, तुझ पे सबकी उम्मीदें हैं, तू है पूत सपूत महान। ए मेरे नौजवान तुझे लाखों लाख सलाम, ए प्यारे नौजवान तुझे लाखों बार सलाम, ए प्यारे नौजवान तुझे लाखों बार सलाम, ए प्यारे नौजवान तुझे लाखों। जिला मंदसौर और मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम की विशिष्ट श्री प्रमोद जी झा की वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है श्री ओपी त्रिपाठी जी, पुलिस अधीक्षक मंदसौर। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कर्नल साहब पी के कोरांडे जी और प्रांत सामाजिक सरकार प्रमुख मालवा प्रांत के मुख्य वक्ता के रूप में श्री प्रमोद जी झा हमारे बीच में है। दीप प्रज्वलन अतिथियों द्वारा बड़े गौरव और सम्मान का विषय है। आज केशव स्मारक समिति के तत्वाधान में सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सदन के सामने हमारे पधारे हुए अतिथियों का मैं परिचय करा रहा हूँ। आज के सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल साहब श्री बी.पी. कुरवांडे, आप नीमच से पधारे हैं। आपने 1971 वार में भाग लिया था। आप 10 वर्षों तक सैनिक कल्याण बोर्ड मंदसौर के प्रमुख रहे हैं। श्री ओपी त्रिपाठी मूलतः बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले हैं। आप भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2009 बैच के अधिकारी हैं। आपने पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातक उपाधि की प्राप्त किए। आपकी नियुक्ति सीधी भर्ती के डिप्टी एसपी के रूप में वर्ष 1994 में हुई थी। सागर जिले में ट्रेनिंग के उपरांत प्रथम पदक स्थापना नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट के बेहर में एसडीओ पुलिस के रूप में हुई थी। तत्पश्चात नरसिंहगढ़ जिला
राजगढ़ में पदस्थ हुए। तदुपरांत नगर पुलिस अधीक्षक नागदा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उज्जैन के रूप में पदस्थ रहे। विगत सिंहस्थ वर्ष 2004 में उज्जैन जिले में कार्य करने का अवसर मिला था। इसके पश्चात राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में आपकी बदल स्थापना रही। आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर, जिला सिंगराज एवं जिला नरसिंहपुर में भी आप पदस्थ रहे। श्री त्रिपाठी को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विदेश में सेवा करने का अवसर मिला। वर्ष 7-8 में आप यूरोपीय देश कोसोवो में अपनी सेवाएं दी हैं, जहां आप संयुक्त राष्ट्र मेडल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त श्री त्रिपाठी को भारत सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा पुलिस मेडल एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा दुर्गम सेवा मेडल भी प्रदान किया गया। श्री त्रिपाठी का महानगरीय पुलिसिंग का लंबा अनुभव है। आप भोपाल के अतिरिक्त इंदौर में पुलिस अधीक्षक पिस्ट के रूप में लगभग 3.5 साल तक सेवारत रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंद्रह के रूप में अपनी सेवाएं दी है। मंदसौर में पुलिस अधीक्षक के पद पर बिना 5 दिसंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री ओपी त्रिपाठी साहब, आप सबके सम्मान में आप रत्न धनी से उनका बहुमान कीजिए। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता आदरणीय भाई साहब श्री प्रमोद जी जहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, आप मालवा प्रांत के सामाजिक सुधार के प्रमुख हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते कार्य देखते हैं। यह सब हमारे लिए गौरवान्वित करने का विषय है। आज का अवसर हमारे लिए बहुमान का दिवस है। एक बार पुनः हमारे सम्मानित अतिथियों का तालियों के द्वारा बहुमान कीजिए। भारत माता की जय। अतिथि परिचय के पश्चात स्वागत बेला में मौका है आज के इस सैनिक सम्मान समारोह में हमारे पधारे हुए अतिथि का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जितेंद्र जी गहलोत। वे आए और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कर्नल साहब पीपी कोराले साहब का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर मंचासीन अतिथि हैं कर्नल साहब श्री बीपी कोराने साहब, उनका स्वागत हो रहा है। गहलोत जी, श्री जितेंद्र जी गहलोत द्वारा कर्नल साहब पीके कोराने साहब का स्वागत करते हुए मैं तो श्री रामेश्वर जी धाकर साहब को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे पधारे और आज की विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन एसपी साहब श्री ओपी त्रिपाठी जी का सम्मान करें। मैं डॉक्टर रोशन जी गलानी साहब को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे इस कार्यक्रम के आज के प्रमुख वक्ता के रूप में आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी झा जी का सम्मान करें। स्वागत पश्चात इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री रविंद्र जी पांडे से निवेदन कर रहा हूं। वे आए और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त कर्नल बीके कोराले साहब, विशिष्ट अतिथि
ओपी त्रिपाठी साहब, पुलिस अधीक्षक मंसूर, मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान प्रमोद जी झा, प्रांत सामाजिक सद्भाव प्रमुख के रूप में आप दायित्व निभा रहे हैं। इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए देश की सीमाओं की रक्षा जिन्होंने की, ऐसे महान वीर पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिकों के परिवार, नगर के गणमान्य राष्ट्रभक्त नागरिक बंधुओं एवं आयोजन समिति के मेरे देशभक्त साथियों, बंधुओं, आज देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। जिन सैनिकों को, जिस सेना को देश की सीमा की रक्षा करनी चाहिए, आज वही सेना आंतरिक आतंकवाद से जूझ रही है। अभी कल की ही घटना है, पंपोर में हमारे देश के वीर सहित छुट्टियों पे अपने घर जा रहे थे और आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमारे 3 वीर सैनिक शहीद हो गए, बलिदान हो गए। बंधु, 1971 में जो घटना घटी थी उसी के उपलक्ष्य में आज यह सैनिक सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब 1971 में विश्व के मानचित्र पे हमारी देश की सेना ने जो गौरवपूर्ण कार्य किया, उस कार्य से संपूर्ण देश की जनता का सर गौरव से ऊंचा हुआ, स्वाभिमान से ऊंचा हुआ। उस समय हमारे देश के सामने बहुत बड़ी विकट परिस्थिति थी, 2 तरफ से हमारे देश के ऊपर हमला हुआ। 3 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा सुनियोजित तरीके से हमारे 11 एयरफील्ड ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग, बम्बारमेंट शुरू कर दिया। उस समय की देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तुरंत पाकिस्तान के ऊपर युद्ध की घोषणा की और हमारे देश की सेना ने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो बंधु, हमारे देश की सेना जो कर्तव्य निभाती है, वही कर्तव्य हमें भी निभाना होगा। हमारे देश के अंदर आजादी के बाद कुछ चूक हुई, कुछ भूले हुए, कई देशों में शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, हमारे देश के अंदर ये कमी है और उसका ही परिणाम है कि हमारी देश की सेना को सीमाओं की रक्षा के अलावा भी आंतरिक विद्रोह का भी कई बार सामना करना पड़ता है। हम सबको इन ऐसे आयोजनों से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि जितना कर्तव्य हमारे देश का सैनिक निभाता है, उतना ही कर्तव्य हमें भी निभाना चाहिए। बंधुओं, हमारे देश का सैनिक इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे सीमाओं की रक्षा करता है। बहुत बड़ी सीमा हमारी देश की दुश्मन देशों से लगी है, लगभग 4,000 किलोमीटर से भी अधिक। उसमें कई ऐसे विकट मोर्चे हैं, समुद्री सीमा है, उसके बाद में दलदल भरा क्षेत्र है कच्छ का रण, उसके बाद में राजस्थान में 50, उसके बाद मेजर धनसिंह थापा, नायक अल्बर्ट एक्का, क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, नायब सूबेदार बन्ना सिंह जी, विंग कमांडर निर्मल सिंह जी, कंपनी क्वार्टर पीरू सिंह जी, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, नायक यदुनाथ सिंह जी, हवलदार योगेंद्र यादव जी, राइफलमैन संजय कुमार, ये रामास्वामी परमेश्वरन, लास्ट नायक करम सिंह, लेफ्टिनेंट एबी तारापुर, लेफ्टिनेंट अरुण छत्रपाल, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, हवलदार शैतान सिंह जी,
कैप्टन गुरुवचन सिंह सलारिया जी, सुबेदार जोगिंदर सिंह जी, लेफ्टिनेंट राधामोहन राणा जी और मेजर हुसार सिंह जी। बंधुओं, कारगिल युद्ध के महान वीर कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में अभी अभी कारगिल युद्ध की वर्षगांठ गई उस समय मैंने लेख पढ़ा। उस महान वीर ने अपने पिता के पत्र का जो जवाब दिया, उन्हें अपने कोई भी पिता अपने पुत्र की सलामती की दुआ करता है, वो कामना करता है कि मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, तो उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने जो राष्ट्रभाव का प्रस्तुतिकरण दिया, उसमें लिखा कि मैं तिरंगा झंडे को ऊंचा करके उसके पीछे पीछे चल के आऊंगा, आऊंगा जरूर, या मैं तिरंगम में लिपट करके आऊंगा। तो ऐसी महान भावनाएं, ऐसा महान मोरल हमारी देश की सेना का रहता है। बंधुओं, आज केशव स्मारक समिति ऐसे महान कार्य करने वाले सैनिकों का सम्मान करने जा रही है। इस वर्ष हो सकता है पहला प्रयास है कई सैनिक परिवार, सैनिक पूर्व सैनिक निमंत्रण आमंत्रण से छूट गए हो। हमारी मेरी आप सभी से कामना है कि अगले वर्ष ये बड़ा आयोजन हुआ हो और इस जिले में निवासरत सभी सैनिक, हमारे सेना का बहुत बड़ा दायरा है, पूरे प्रदेश में लगभग 44,000 पूर्व सैनिक परिवार निवासरत है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जिले के अंदर रहने वाले सभी सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का हम सम्मान करें। इतना ही कहकर धन्यवाद। अब मैं मंच की अगले सफल संचालन के लिए श्रीमान नरेंद्र जी त्रिवेदी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। प्रस्तावना के उपरांत एक बहुत ही प्यारा व्यक्तिगत गीत लेकर हमारे बीच में कन्हैया जी देशमुख को मैं आवाज दे रहा हूँ कि वे आए और अपना गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें। कि है अमर शहीदों की पूजा, हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है माँ की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं, अपने जैसों की नई फसल इस देश को यूं दे जाते हैं, अपने जैसों की नई फसल देश को यूं दे जाते हैं। उसी जज्बे को सलाम करती हुई एक शानदार कविता लेकर, गीत लेकर कन्हैया जी देशमुख हमारे बीच में उपस्थित। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, महिमा मान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जिसका मुकुट हिमालय जग जग भगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे
कश्मीर ये हमारा दलाल कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम साधना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, इसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे, संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस दीप की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, भारत देश की तारीफ में या उसके गुणगान में हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करें, निश्चित तौर पर इस जन्म में तो वो कमी पड़ेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। कुछ सूचनाएं मैं यहाँ से दे रहा हूँ, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। आप सभी अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। आगे की विशेषकर जो पंक्तियां हैं वहां से या बीच में से कोई भी बार बार ना उठे और कृपया वार्तालाप ना करें, शांति बनाए रखें, क्योंकि अतिशीघ्र अब वो पल आने वाले हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, बेसब्री से इंतजार है। उद्बोधन उस वेला की ओर हम बढ़ रहे हैं और मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कर्नल साहब बीके कोराने साहब को बड़े आदर और सम्मान से मैं अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि वे उद्बोधन स्वरूप उनका आशीर्वाद इस सदन को, इस नगर को, आपको और हमको दे। आदरणीय कर्नल साहब, वंदे मातरम। आज मेरे लिए, मेरे पुत्र सैनिकों के लिए, सेवादार सैनिकों के लिए और पुत्र सैनिकों के पत्नियों के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि मंदसौर जिले में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर हम सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और हमारा आदरण के साथ जिस ढंग से सैनिकों की और भारत माता की यहाँ पर प्रशंसा हो रही है और उसका आह्वान किया जा रहा है, वो तभी फसल करनी है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे परिचित, मेरे साथ वाले भी हैं जिनको मैं इनाम देना चाहूँगा, श्री त्रिपाठी एंड श्री जीवन किशोर सर, जिनको मैं जानता हूँ और ये मेरे साथ रह चुके हैं, ये भी मेरे साथी थे, तो इनका एक बहुत, बाकी भी और भी परिचित लोग हैं पर मैं उनको इनसे इतनी दूर से पहचान नहीं पा रहा। मैं यहाँ पर 10 साल तक
भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति था। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं क्या है, हम लोग समय समय पर बातें तो करते हैं परंतु उतना क्रियान्वयन नहीं होता। भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक और जो युद्ध में शहीद हुए हैं प्रायोरिटी वाइज जो सैनिक युद्ध में शहीद हुए हैं उनके परिवार, उनके परिवार, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी देखभाल, ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जिसका गेहूँ जिले के लोग कह सकते, गाँव के लोग हैं, वो भी उनका ख्याल रखते हैं। क्योंकि कई बार देखा हुआ है कि शहीद के जो परिवार वाले होते हैं और उसके बाद में उनके पास जो पैसे मिलते हैं, परिवार वाले, गांव वाले बड़ी गिद्दी की निगाह से देखते हैं। कई बार पैसे हड़प लेते हैं, कई बार जमीनें हड़प लेते हैं और तरह तरह के उनको तकलीफें दिया करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो उनका मनोबल टूटता है और वो प्रशासन के बारे में गलत गलत चीजें सोचते रहते हैं कि मैं, हमने इतना किया, हमारे पति ने इतना किया और आज उनको क्या मिलता है, ये भावना नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर हम सबका कर्तव्य है, इवन भूतपूर्व सैनिक जो अभी यहाँ पर हैं उनका भी कर्तव्य है कि अपने वो साथी सैनिकों के और उनके परिवार वालों का ध्यान रखें। दूसरे हैं सेवारत सैनिक। सेवारत सैनिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सेवारत सैनिक तभी अपना सब कुछ दे सकेगा, 100% दे सकेगा अगर उसको घर की तरफ से, परिवार की तरफ से कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती है जो कि घर से जाती है उसको बताई जाती है और उसका मन पीछे होता है। हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, सब लोग सब परिवार से बंधे हुए लोग हैं और उसके कारण क्या होता है, वो सैनिक अपना 100% दे नहीं पाता है। इसलिए फिर गुजारिश करता हूँ कि ऐसे सैनिक, वैसे सैनिक कल्याण अधिकारी जो है उसके ये काम है उनके विजिट करना, सब कुछ करना, पर फिर भी जो व्यक्ति उसके पास में रहता है, जो भूतपूर्व सैनिक उसके आस पास रहता है वो भी उनका ख्याल रखे। और भूतपूर्व सैनिक वो तो अपना ख्याल रख ही देते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी ज्यादा समस्या है एम्प्लॉयमेंट, आने के बाद में 40-45 साल की उम्र होती है और उसके बाद में उनको लगता है कि अब अगर खुला कैसे, पहले तो पेंशन भी बहुत कम मिलती थी, अब तो ORO की जब से आया है तब से काफी स्थिति सुधर गई है और वर्तमान सरकार ने बहुत ज्यादा ही ध्यान रखा है। इसके पहले जो पिछली सरकारें थी भूतपूर्व सैनिकों को बिल्कुल निग्लेक्ट किया जाता, उसको उनको जो सम्मान मिलना था वो कभी नहीं मिलता, पर अब स्थिति सुधर रही है। कारगिल के बाद से जो जो स्थितियां सुधरी है और आज इसके बारे में जो सुन रहा है उसके लिए तो बहुत ही खुशी काम हो रहा है। मैं आप सबसे फिर वास्तव में आभार मानता हूं मेरी तरफ से और भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से। कर्नल साहब द्वारा थोड़ा ही सारगर्भित और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस अवसर पर वे भी मन से इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह के आयोजन को लेकर उनके मन में भी बड़ी सोच ये जन्म ले रही है कि इस तरह के कार्यक्रम यदि होते हैं तो निश्चित तौर पर सैनिक परिवारों के लिए, किसी भी व्यक्ति जो सैनिक है उसके लिए निश्चित तौर पर गौरव का विषय है। इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ जिला पुलिस अधीक्षक श्री मान OPG त्रिपाठी साहब को कि वे आए और उद्बोधन स्वरूप, आशीर्वचन स्वरूप इस कार्यक्रम के लिए उनके मन में जो विचार हैं वे प्रस्तुत करें। परम सम्माननीय कर्नल साहब, परम सम्माननीय प्रमोद जी झा साहब एवं इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित
सभी राष्ट्रभक्त सम्मानित महानुभावों, वीर शहीद सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके सभी सम्मानित परिजनों, निश्चित रूप से यह एक अस्तुत्य प्रयास है और एक राष्ट्र के जो वीर शहीद हैं, वीर सपूत हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक सुअवसर है। हमारी राष्ट्रीय परंपरा में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह हमारा मूल मंत्र रहा है, यह हमारी अवधारणा रही है। आप लोगों ने एक कविता भी पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, जहां पर पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है कि जिस मार्ग से, जिस पथ से वीर सैनिक जाते हैं, उस पथ पर फेंकने के लिए, रखने के लिए माली से पुष्प की कामना रहती है। हम उस राष्ट्र के वासी हैं, नागरिक हैं। हमारे वीर सैनिकों ने जो इतिहास रचा है, जिस 1971 की विजय गाथा को स्मरण करने के लिए आज एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, वो ऐतिहासिक क्षण था, वो ऐतिहासिक अवसर था। और हमारे वीर सैनिकों ने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में, हमारे पूर्व वक्ता के द्वारा भी यह अवगत कराया गया कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में हम लोग, हमारे सैनिक काम करते हैं, चाहे वो उष्णता की पराकाष्ठा का मरुस्थल हो, चाहे हिमालय की जो बर्फीली घाटियां हैं, जहां पर टेम्परेचर, तापमान माइनस में कितना ज्यादा जाता है, इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के, और हमारे वीर जवान, वीर सैनिक इस तरह से कर्तव्य निर्वहन और राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं नमन करना चाहूंगा उन वीर शहीदों के परिवारजनों को, जिनकी त्याग तपस्या, उन धन्य उनके माता पिता, धन्य उनके परिजन, जिन्होंने उन्हें ऐसे संस्कारित किया और उन्हें ऐसी प्रेरणा दी। और हम कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि कर्नल साहब ने भी एक विषय उठाया था कि जब पूर्व सैनिक रहते हैं तो उनके कई समस्याएं रहती हैं और सामाजिक तौर पर उनको यथोचित सम्मान नहीं मिल पाता, कई बार कोई स्थानीय स्तर पर समस्याएं भी रहती हैं। तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि प्रशासनिक दायित्व के नाते कि जो हमारे सैनिक हैं, सेवारत हों या पूर्व सैनिक हों, उनके परिवार को कोई अन्याय ना झेलना पड़े। और कई ऐसे अवसर रहे जहाँ पर ऐसी, एक कुछ दिन पहले में जहाँ पूर्व पद स्थापना हमारी थी, वहाँ पर सीआरपीएफ के एक जवान जो बस्तर में नक्सल घटना में शहीद हो गए थे, और उनकी विधवा पत्नी को जो पेंशन मिलता था गांव के एक दबंग व्यक्ति के द्वारा, लाखों रुपये उसमें गड़बड़ कर दी गई थी, तो उसको हमने कार्रवाई कराते हुए उनको गिरफ्तार करवाया और उससे सैनिक का पूरा परिवार काफ़ी प्रसन्न हुए थे। तो ऐसी कई समस्याएं रहती है, हम सबका एक सामाजिक दायित्व तो है कि हम उनके पीछे खड़े रहें, उनमें संबल प्रदान करें। और अंत में मैं पुनः आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग भी जुड़े रहे और जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, वे सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी पुनः वीर शहीदों और वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही ओजस्वी और संक्षिप्त में सारगर्भित बात आदरणीय त्रिपाठी साहब ने हमारे बीच में रखी। मौका है, अवसर है इस कार्यक्रम की विशिष्ट और प्रमुख वक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी झा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं, उसके पहले एक गीत की दो पंक्तियां मेरे जहन में आ रही है कि उनके सम्मान में अगर मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं बोला, तो कहीं मेरी ओर से कमी रह जाएगी।
कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी कि जीने की तुमसे वजह मिल गई है, यूं ही बेवजह जिंदगी जा रही थी। आदरणीय भाई साहब के बारे में एक लाइन जो मैं काफी समय से सुनता आ रहा हूं कि उनके शब्द जो होते हैं, उनकी जो आवाज होती है, उनकी जो वाणी होती है, वो कानों के माध्यम से आपके जहन में जरूर जाती है, लेकिन आंखों के माध्यम से, अश्रुओं के माध्यम से वो निकला करती है, क्योंकि संवेदनाओं से ओतप्रोत उनका उद्बोधन होता है, उनके शब्द होते हैं। और आज का अवसर है, इस सैनिक हमारे देश का गौरव है, वो सैनिक उस सीमा पर लड़ रहा है, अपनी ओर से पूर्णतः कर्तव्य का पालन कर रहा है, और अब हमारा जिम्मा है, हमारा जिम्मा है, समाज का जिम्मा है कि जब जागृत समाज रहेगा तो ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करेगा। ये मौका है हमारे बीच में उस प्रमुख वक्ता का। मैं एक निवेदन आप सभी से कर दूं कि आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। हमारे बीच में प्रमुख वक्ता के रूप में बहुत ही बड़े वक्ता आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी झा विराजमान है। अब मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने वाणी के जादू से इस मंच से इस मंडल को, इस नगर को और इस सदन को उद्बोधित करें, आशीर्वाद स्वरूप बात कहें, और हम सभी तैयार हैं उनको सुनने के। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय बालकृष्ण जी पुराने जी, एसपी साहब अच्छी जी, श्री त्रिपाठी शायद ओम प्रकाश जी त्रिपाठी, सुंदर नाम बार बार लिए जाए तो अच्छा लगता है, पूरा नाम बहुत सुंदर है। भाई साहब का नाम है बालकृष्ण, भाई साहब का नाम है ओम प्रकाश जी, ऐसे सुंदर नामों को स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए उपस्थित माताएं, बहनें, पूर्व सैनिक, उनके परिवार के जन, अन्य नागरिक बंधु, जातस्य मरणं ध्रुवम्, गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य मरणं ध्रुवम्, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है। प्रकृति हो, वनस्पति हो, व्यक्ति हो, राष्ट्र हो, जमीन हो, भूमि हो, जल, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही। घोषणा करने वाला परमात्मा है, लेकिन यह सत्य भारत के लिए लागू नहीं है। भारत राष्ट्र कल भी था, आज भी है, और भरोसा दिलाता हूं इनके भरोसे कि कल भी रहे। उसका कारण क्या है? तो इकबाल एक कवि हुए, उन्होंने लिखा यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात क्या है? इसका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर देते हैं। वो कुछ बात क्या है? वो बात है
तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। यहां तक भी बात नहीं हुई पूरी। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अब इसके बाद बचता क्या है? फिर भी वो लिखते हैं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तन, मन, जीवन, अब इसके बाद क्या बचता है? लेकिन जो इकबाल कहते हैं, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, दुनिया के सारे लोगों ने बलिदान दिया होगा तन से, मन से, जीवन से, लेकिन भारत अमर है तो उसका कारण है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कुछ और दुनिया के लोग नहीं दे सके, वो हमने दिया है। वो कुछ क्या है? तन समर्पित, पिता के गर्भ से पैदा होने वाला शरीर, माँ के गर्भ से पैदा होने वाला शरीर, पिता के संरक्षण से बड़ा होने वाला शरीर, माँ की ममता से पोषण करते हुए वो शरीर उसने होम किया है। मन समर्पित, शरीर के साथ मन समर्पित, पत्नी से कहता है, प्रेमिका से कहता है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, लेकिन कुछ और क्या है वो देखो। यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, मादरे बतक पर तेरा इश्क भी कुर्बान हुआ। मादरे बतन पर तेरा इश्क भी, ये कुछ और है, शरीर से अलग है। जिसके मन में पिता के प्रति मान है, माँ के प्रति सम्मान है, भाई बहन के लिए स्नेह है, बेटे बेटियों के लिए लाड़ है, पत्नी के लिए प्यार है, वो मन भी समर्पित करता है। ऐसा नहीं कि मन कुछ और तन कुछ और, यह जीवन समर्पित। अंतिम सांस भी वो भी समर्पित। फिर भी कभी लिखता है, अब बचा क्या? कुछ में है सब खेल, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। और क्या? बलिदानों की परंपरा कोई छोटी मोटी नहीं भारत की। इस भारत की धरती पर दुनिया का पहला शहीद भारत ने दिया है। वो शहीद कौन था? शहीद था दधीची। अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी राक्षस के वध के लिए। लेकिन वो कुछ और, वो दधीची से भी आगे है थोड़ा। हमारा भारत का सैनिक, हमारा भारत का जवान उस दधीची से भी आगे निकला है। वो क्या है? ये घोषणा करता है, तन समर्पित, मन समर्पित और है जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और। कुछ और की घोषणा क्या है? एक पुराना लस्खान हमारे कवि हुए हैं, जहां बलिदान है, जहां समर्पण है, वहां जवानी है, वहां योद्धा है। भक्ति भी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, दम नहीं है। चित्तौड़ की महारानी का पद छोड़ना पड़ता है, मर्यादाएं छोड़ना पड़ती है, चौराहे पर नाचना पड़ता है, फिर घोषणा निकलती है, मेरे तो मित्र गोपाल की सुनकर। लैला के लिए बर्बाद होना पड़ता है, ताकत है प्रेम समर्पण। प्रेम ही तो था मातृभूमि के लिए जीवन देने का, क्या जज्बा कहां से आया? माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, तू मेरी मां है, मैं तेरा लाल हूं। कुछ बात
रसखान कहता है अगला जन्म कुछ पुण्य किए होंगे तो मनुष्य बनूंगा, लेकिन इसी भारत देश से बनूंगा, मानुष हो तो वही रसखान, पशु भी बनू तो इसी भारत का बनने के लिए मैं तैयार हूं, पक्षी भी बनू तो इसी देश का। और वो कहता जी कुछ बात है जी, रसखान ने कह दिए मरने के बाद भी, और हे परमात्मा यदि हमारे पुण्य नहीं हो पत्थर भी बनना पड़े तो इसी देश का बनना पसंद करूंगा, पाहन हो तो वही गिर को जो धरो है छत्र पुरंदन का, पत्थर भी इसी देश का बनना कि कुछ और। भगत सिंह से पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, फांसी के लिए जा रहा अब अंतिम इच्छा का क्या सकता, तन कर दिया मन कर दिया जीवन समर्पित करने की कगार पर खड़ा है, अंतिम पूछने इच्छा क्या है, तो भगत सिंह कहता है फिर जन्म लूंगा इसी भारत में और फिर देश के लिए काम करूंगा जी, कुछ और है, एक जन्म नहीं तो दूसरा भी जन्म दांव पर लगाऊंगा। इस घोषणा से घबराए थे अंग्रेज लोग, उन्होंने कि कैसा देश है, यहाँ फिर से जन्म होता है, ईसाइयत इस्लाम में दोबारा जन्म लेने की परंपरा नहीं है, कैसा फिर से जन्म लेगा, फिर से यही क्रांतिकारी कदम उठाएगा। अंग्रेजी भी सचेत हो जाते हैं और जब सजा देने की बारी आती है वीर सावरकर को तो दो जन्मों की सजा देते हैं, अगले जन्म में फिर पैदा होगा फिर तेरे को सजा देंगे, कुछ और। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्मदिन चल रहा है, पिता का बलिदान की प्रेरणा देता है, पिता को 8 साल का बच्चा कहता है कि तुमसे अच्छा बलिदान देने वाला कौन होगा भारत की धरती पर, आप बलिदान कीजिए, और पिता दिल्ली में जाकर औरंगजेब उनका सर कलम कराता है, आशीषगंज गुरुद्वारा बना। दो बेटे युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, प्यास लगती है पानी पीने के लिए जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, छोटे 12 साल के 13 14 साल के बच्चे वो भी युद्ध में जाते हैं, उनको प्यास लगती है पीने के लिए आते हैं, पिता और माँ दोनों कहते हैं, माँ गुजरी गुरु गोविंद सिंह पिता ये जाओ तुम्हारे दोनों भाई स्वर्ग में बैठे हैं पानी पिलाने के लिए, यहाँ कोई पानी नहीं जाओ, और हमको मालूम हो कि उन 12 साल के 8 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, चारों बेटों का बलिदान, तो खुद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 3 पीढ़ियां बलिदान करने के लिए देश के लिए धर्म के लिए, बाद में कुछ और भी। चापेकर बंधु 3 भाई थे, एक भाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गए, 2 भाइयों को पकड़ लिया गया अंग्रेजों ने, उन्हें फांसी की सजा दे दी, उस माँ के 3 बच्चे थे, 3 शहीद हो गए देश के लिए कुर्बान हो गए। विवेकानंद जी अमेरिका में थे, उनको मालूम चला कि चापेकर बंधु 3 शहीद हो गए, उनकी मां अकेली है उसको कैसा बन पड़ता होगा, जाओ भगिनी निवेदिता से कहते हैं जाओ उसको ढाणस बनाओ, अकेली मां आज किसके साथ रहेगी, उससे कहना कि हे मां तू अकेली नहीं स्वामी विवेकानंद तुम्हारे लिए है अभी। भगिनी निवेदिता जाती है, एकांत में अंधेरा है हल्का सा, माँ बैठी है 3 बेटों के सामने, एक दीपक जला हुआ है, उदासी माँ बैठी हुई है, घर में निवेदिता जाती है शांति से उनकी माँ को प्रणाम करती है, हे माँ विवेकानंद ने पहुंचाया है मेरे, 3 बेटों का बलिदान होने के बाद आप अकेली हैं ऐसा महसूस मत करना, विवेकानंद ने कहा है वो तुम्हारे साथ है, तुमको दुख करने की आवश्यकता नहीं। चापेकर बंधु की मां देखती है भगिनी निवेदिता की ओर और कहती है कि अपने विवेकानंद से कहना 3 बच्चों के बलिदान के बाद यह मां दुखी नहीं है, आज मेरे पुण्यों में कुछ कमी रह गई इसलिए 3 बेटे
यदि कुछ पुण्य और किए होते तो इस गर्भ से 8 बेटों को जन्म देती, 8ों को देश के लिए बलिदान कर देती। 3 के बाद शांति नहीं है, कुछ और। 3 के बाद शांति नहीं, 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, अनाथ हो गई है, कुछ और। 8 होते तो 8। अब्दुल कलाम वो किताब लिखते हैं अग्नि की उड़ान, उसका हिंदी अनुवाद। किताब के पहले पन्ने पर लिखते हैं कि मैंने इस्लाम में जन्म लिया है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा मेरा। मैं कब्र में कयामत के दिन तक, प्रलय के दिन तक रहूंगा, लेकिन हे भारत माता, तुझसे मुलाकात कैसे होगी मरने के बाद। लिख रहा हूं कि कैसे, ये जीवन तो मैंने दिया है लेकिन यदि मर गया तो कैसे। तो वो कहता है कि कयामत के दिन मिलेगा तुझसे कलाम, मां तुझे सलाम। ये कुछ और है, मरने के बाद भी कयामत का इंतजार करूंगा, फिर से मिलूंगा, ये भारत माता से। ये कुछ और है। जी कुछ और के लिए है जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती। जी कुछ और के कारण से भारत अमर हुआ है, दधीची से लेकर वर्तमान में कल के दिन शहीद हुए हमारे सैनिक, उनके कारण से ये भारत अमर हुआ है। कारगिल के युद्ध में जब सैनिकों के शव आ रहे थे, जयपुर का एक शहीद अजय आहूजा, उनके पिता से पूछा कि तुम्हारे बेटे ने शहीद हुआ है, एकमात्र बेटा था। वो कहता है शांत रहिए, इस देश के हर घर से बेटे पैदा होंगे जो अजय आहूजा होंगे, कुछ और पैदा करेंगे। उसकी पत्नी से पूछता है पत्रकार तुम्हारे पति की मौत हुई, क्या कहेंगी आप? तो वो मुस्कुरा के कहती है कि क्या पूछते हो, तुम्हारे शब्द क्या है? हमारे पति की मौत नहीं, हमारे पति कुर्बान हुए हैं। मौत और कुर्बान में समझ में आता है कि नहीं पत्रकार महोदय? तुमको जिसका पति कुर्बान होता है, शहीद होता है, वो गर्व करती है, सर में सीट हमारी बुक हो गई। कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और। लेकिन जिन्होंने ये सब किया है उनका सम्मान तो ठीक था, भाई साहब का बैठे हैं, ये परिवार का सम्मान। सैनिक का सम्मान समझ में आता है, परिवार का। जैसे शेष, जैसे भारी लगती शेष नाग को धरती, जैसे भारी लगती शेष नाग को धरती, वैसे लगती एक पिता को अपने बेटे की अर्थी। ऐसे लाखों पिताओं ने अपने कंधों पर अपने जवान सही बेटों को उठाया है। हमारी संस्कृति ने हमको दिशा दी है, इनका सम्मान करना है। परमात्मा से भी आगे किसका पहले सम्मान होना चाहिए, ये घोषणा करके गए हैं हमारे पुर के। संकेत होता है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। सैनिक हमारे लिए भगवान है, लेकिन सम्मान किसका होगा? गुरु का सम्मान होगा जिसने परमात्मा का दर्शन कराया, उस पिता का सम्मान होगा जिसने ऐसा वीर योद्धा दिया है भारत की धरती को। तुम नहीं होते पिता तो कहां से अजय आहूजा होते,
कहां से बालकृष्ण। उस पिता का धन्यवाद है जिसने ऐसा योद्धा पैदा किया है, जिसके संरक्षण से ये बलिष्ठ हुआ है। वो माँ धन्यवाद सम्मान की पात्र है जिसके प्रेम से उसका मन विकसित हुआ है, संस्कारित हुआ है। जो सुबह माँ को उठकर देखता था, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस्त में रोज माँ को देखता था, उठने से पहले धरती माता को प्रणाम करती थी। इसके मन में भी वो भाव जगा था, इसलिए इसके मन में बलिदान की प्रेरणा मिली। उस माँ को धन्यवाद जिस पत्नी के प्रेम के कारण से वो पराक्रम कर सका है। पत्नी का प्रेम खींचता है, लीजिए जो बलिदानी की पत्नी है, अजय आहूजा की पत्नी है अलका आहूजा, जो कहती है मरा नहीं है बलिदान हुआ है गर्भ से, उस पत्नी के प्रेम के कारण से पराक्रम कर सका है। उस परिवार उस पत्नी को धन्यवाद। जो श्लोक बोला, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस्मे, जिस पिता के कंधों पर चढ़कर वो ऊंचा हुआ था, हमारा जवान बड़ा हुआ था वो, ऐसे लाखों पिताओं के कंधे के कारण से हिमालय ऊंचा हुआ है। भारत की जो ऊंचाई है वो बलिदानियों के पिता के कंधे के कारण से। पर्वत स्तन मंडले भारत माता जी तुम्हारे पर्वत है जो स्तन है, लेकिन इन स्तनों से जो दूध की धार गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु, इनमें जो पानी है वो वीर सैनिकों की माताओं की आंचल का दूध है, इसलिए भारत हमेशा हरियाली से भरा हुआ है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भारत मां तू साक्षात विष्णु की पत्नी है, और विष्णु की पत्नी सदा स्वागत सौभाग्यवती है जे भारत के मांग का सिंदूर जे हमारे सैनिकों ने अपनी पत्नी से उठा लेकर बरती है। भारत दुनिया का एक एक देश, दुनिया की एक एक संस्कृति, यूनान मिस्र रोम अभी बताया सब मिट गए, जहां से कई संस्कृतियां रशियन सिथियन एजेंटिक एगुप्त माया इनका वो देश दुनिया में दिखाई नहीं देते, वो विलुप्त हो गए। राष्ट्र को भी मरना पड़ता है, ऐसी कई संस्कृतियां कई परंपराएं कई देश समाप्त हो गए, लेकिन भारत जीवित है। कितने युद्ध झेले होंगे भारत में, एक एक युद्ध में दुनिया के देश समाप्त हुए संस्कृतियां समाप्त हुई, भारत ने युद्ध झेले हैं। शक यवन हूर मुगल मंगोल पठान हवसी तुर्की अफगानी फ्रेंच डच अंग्रेज पुर्तगाली फ्रांसीसी चीन पाकिस्तान, लेकिन इन पिताओं के इन माँ के गर्भ से जन्म हुए हमारे सैनिक जिसको पढ़ाया गया था तू ही दुर्गा दत्त प्रहर धारणी, हमारी भारत माँ दुर्गा है साक्षात कमला कमल दल बिहारणी, तू लक्ष्मी है वाणी विद्यादायिनी तू सरस्वती है, और उन दुर्गा के पुत्रों ने ये आधुनिक दुर्गा है जिनके गर्भ से उस सैनिक ने जन्म लिया है। तो दुर्गा का बेटा क्या करता है, राक्षसों का वध करता है। इतने युद्ध के बाद भी आज भारत है संस्कृति है धर्म है। गुरु गोविंद दो खड़े काके नाम पाए बलहारी दुर्गा, इन परिवारों के कारण से
वो सैनिक प्राप्त हुआ, वो बलिदानी प्राप्त हुआ, जिसके कारण से भारत अखंड है, अमर है, इसलिए उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। और उनका सम्मान नहीं, उनका सम्मान करने से हमारा खुद का सम्मान होने वाला है, हम भाग्यवान होने वाले हैं, हम सौभाग्यशाली। वो कहते हैं गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा माने जन्म लेने वाला, विष्णु माने पालने वाला, महेश माने संहार करने वाला। इन परिवार ने तीनों का, तीनों भगवानों की पूर्ति की है। पिता ने पालनहार किया है ब्रह्मा की तरह, विष्णु की तरह मां ने पाला है, महेश की तरह बलिदान की प्रेरणा मिली है पत्नी के द्वारा, अन्य सदस्यों के द्वारा, इसलिए उनका सम्मान। यह सम्मान जब तक भारत की धरती पर होता रहेगा तब तक उसके गर्व से ऐसे वीर योद्धा पैदा होते रहेंगे। और यह परंपरा के लिए मंदसौर धन्यवाद का पात्र है। विनीत चौहान हुए, उन्होंने सैनिक के नाम, सैनिक ने चिट्ठी लिखी है अपने परिवार को, पिता को चिट्ठी लिखी, माँ को चिट्ठी लिखी, भाई को चिट्ठी लिखी, अंत में पत्नी को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी में पढ़कर अपनी बात समाप्त करो। वो पहले माँ को चिट्ठी लिखता है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। माँ को लिखता है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसकी सूरता खुद शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाकर मैं प्लेयंतर दिख रहा हूँ, माँ उसी स्वर्णित से रक्त से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा। युद्ध भीषण था मगर ना इंच पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी शपथ में आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली बक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुझने आज मैंने पूर्ण की। छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी इस तरह में सैदा हुआ हूँ, मैं इस तरह से शहीद हुआ, शत्रु भी कह रहे हैं शत्रु भी मैं इस तरह सैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी को से पैदा हुआ। यह न सोचो माँ की मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। कुछ और फिर पिता को लगता है, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, और कंधों पर खड़ा हो आसमां में छू चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे यह ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे अपने ले मुझे चलना पड़ेगा। पिता की आशा रहती है, पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, मैं तुझे कर मां तुम मुझे करना क्षमा, मैं पित ऋण को भर न पाया हूँ, बहुत मजबूर यह ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा, अंत में भी आपके कंधे मुझे। भाई को चिट्ठी लिखता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, मैं तुम्हें बाहों में भर आकाश दे सकता नहीं, लौट कर भी आऊंगा ये विश्वास दे सकता नहीं, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पढ़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना श्वास अंतिम तक लड़ूंगा, अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर चंदा सा तुझको। अंत में लिखता है पत्नी, अंत में तुमसे प्रिय, सभी को कुछ ना कुछ बोलता है, याद करता है, यही नहीं दे पाया, ऋण नहीं दे पाया,
लेकिन पत्नी से अंत समय में भी मांगता है, ऐसा कुछ नहीं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, मांग में सौभाग्य के अनगिनत सितारे टांगता हूँ। तुम अगर सौभाग्य की, तुम अमर सौभाग्य की विधिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं बेधक, तुम विधवा नहीं हुई हो मेरे जाने के बाद। तुम नहीं बेधक की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पावन भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न सुलझेना सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिसमें क्या उलझे ना होंगे। पूछते होंगे कि पापा कहाँ है, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं। तुम उन्हें कहना कि जिद पर ऐसे अड़ जाते नहीं, अपने बच्चों पत्नी से कहता बच्चों को बोलना कि जिद नहीं करते। तुम उनसे कहना कि जिद ऐसे अड़ जाते नहीं है, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा लौट कर आते। मैं यहाँ कुलदीप के हित सौ गाथा गढ़ रहा हूँ, एक आदि सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से लिख रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली वन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। अंत में वो कहता है सप्तपदी की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सात फेरे लगाए थे तब तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। सप्तपद की यात्रा से तुम बनी अर्धांगिनी हो, सात जन्मों तक बजोगी तुम वह अमर रागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बतलाए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभु को दे रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में आप सभी ने सुना प्रमोद जी झा साहब को। अब अवसर है, मौका है इस बात का, इस मंच के लिए भी, आपके और हमारे लिए भी, कि उन विशिष्ट अतिथि के रूप में जो विद्यमान है इस मंच पर, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं कर्नल साहब बीके कोराने साहब का, बल्कि कैमरे में कैद ये लम्हे आप और हम जब दोबारा देखेंगे तो निश्चित तौर पर वही गौरवमय उपस्थिति को आप और हम जीवन कर पाएंगे। मौका दस्तूर है, मैं पुनः नाम ले रहा हूँ साकिर अहमद साहब, उनकी श्रीमती जी यहाँ पर मौजूद है, होटल एसोसिएशन से अंजलि शर्मा हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और शिक्षक संघ से श्री नवीन जी त्रिवेदी और अखिलेश जी मेहता। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे मैं रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे ओ माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा